देश में कोरोना काल में इस समय ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा किल्लत है। ऐसे में उत्तराखंड में भी कोरोना को लेकर स्थिति खराब है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया स्थित ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। इस मौके पर ऑक्सीजन प्लांट के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि इंडस्ट्रियल एरिया में विद्युत आपूर्ति प्रॉपर न होने की वजह से कई बार उनका उत्पादन प्रभावित हो जाता है। इस समस्या के निदान के लिए प्रयास भी किए गए, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हो पाया। इसके अलावा उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कों के सुधारीकरण की भी मांग उठाई। इस मौके पर वहां के पदाधिकारियों ने पहाड़ी क्षेत्रों में मिनी ऑक्सीजन प्लांट लगवाने का भी सुझाव दिया। बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की समस्या जल्दी हल करा दी जाएगी। इसके लिए उन्होंने मौके से ही शासन के उच्च अधिकारियों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट की हर समस्या का निदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता है, ऐसे में ऑक्सीजन प्लांट कंपनियों की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं होनी चाहिए, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जाए। संकट की इस घड़ी में सबकी जिम्मेदारी है, वो एक दूसरे की मदद करें और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी गंभीरता के साथ निर्वहन करें। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन कंपनी में काम कर रहे मजदूरों को भी उनके सहयोग के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि प्राण वायु का उत्पादन करने वाले मजदूर किसी की जिंदगी बचाने का काम करते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सेलाकुई में प्रस्तावित कोविड केयर सेंटर का भी निरीक्षण किया और व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए शुभ गौर की रिपोर्ट।